मुरादाबाद की बिलारी नगर पालिका अध्यक्ष रघुवर सिंह यादव एक्शन मोड में नजर आए। पालिका अध्यक्ष ने नगर पालिका कर्मचारियों को साथ लेकर नगर भ्रमण किया और नगर भ्रमण के दौरान लापरवाह सफाई कर्मी और सड़कें बनाने वाले ठेकेदारों को नोटिस जारी किया। जानकारी देते हुए नगर पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह यादव ने बताया कि काफी समय से लोगों द्वारा सफाई कर्मियों और सड़कें बना रहे ठेकेदारों की शिकायतें आ रही थी, इसको लेकर नगर भ्रमण किया गया। नगर भ्रमण के दौरान कुछ सफाई कर्मी गैर हाजिर और कुछ लापरवाही करते नजर आए, जिनको नोटिस जारी किया गया है और सड़कें बनाने वाले ठेकेदारों को चेतावनी दी गई है कि गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनाए, सड़कों में मिलावटी सामग्री पाए जाने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो नेहरू मूर्ति का जो जीर्णोद्धार किया था उसकी क्वालिटी सही ना होने के कारण हमने एक तो नोटिस दिया है, उसको तोड़कर दोबारा बनाएगा, क्योंकि पार्क जो बनाया जाता है वो खूबसूरती के लिए बनाया जाता है और अगर उसकी टाइल्स खूबसूरत नहीं दिखाई दे रही है या टाइल्स लगाने का तरीका गलत है तो वो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काम की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, इसलिए हमने आज उनको ठेकेदार को नोटिस जारी करा दिया कि भाई ये इसे दोबारा बनाना है तोड़। तो कार्य में अनियमितता पाई गई या जो टैंक पार्क जो बनता है वो सुंदरता के लिए बनता है और अगर उसमें क्वालिटी चाहे बढ़िया लगाई कोई दिक्कत नहीं, मगर अगर वो सुंदरता में सही नहीं दिखाई दे रहा है वो भी एक अनियमितता है उसकी, तो उसे तोड़ने के आदेश देते हैं, दोबारा टाइल्स लगेंगे उसको पुनः। देखते हुए रात किसी ने एक कंप्लेंट थी कि सराफा बाज़ार में पानी भर जाता है, तो हमने उस जमादार को भी चेंज कर दिया, क्योंकि जिसकी भी काम में लापरवाही होगी हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो नाली की सफाई पुनः बुधवार में, क्योंकि छुट्टी रहती है, क्योंकि बीच में अगर करेंगे तो गंदगी मार्केट में दिखाई देगी, इसलिए बुधवार को पूरे नाले मार्केट के सफाई अभियान के तहत कराया जाएगा। कुछ ठेकेदारों का और कुछ सभासदों की कंप्लेंट थी कि वो कहीं ईंट की क्वालिटी खराब लगा रहे हैं, तो उसके लिए भी नोटिस जारी कर दिए कि जिनकी ईंट का फोटो या हमारे किसी भी बंदे या हमारे जेई को नहीं दिखाया है ऐसे में, तो उनका डिडक्शन किया जाएगा क्वालिटी के आधार पर। वो तैयार रहें, क्योंकि क्वालिटी और क्वालिटी से और कोई अनियमितता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे वो ठेकेदार कोई भी हो। पहली और दूसरी गलती माफ़ की जाएगी, उसके बाद कोई माफ़ी नहीं है उनको, फिर हम काम भी उन्हें नहीं देंगे, ब्लैकलिस्ट करेंगे।